हैं। तो इस प्रकार से हमारे समाज में दिनों दिन संगठनों की बाढ़ सी आ गई है, जिससे हमारा समाज लगातार टूट रहा है। और ये कंसेप्ट शुरू करें। हाँ अब ठीक है। जय भीम, नवोदय सभी को, संगम नमामि। मैं प्रोफेसर हरिओम सपिंदो जी हरियाणा से हूँ और आज मेरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के लिए मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो गोल्डन रूल नंबर 2 पर है। गोल्डन रूल नंबर 2 की बात करने से पहले मैं अपनी और जो दूसरे रूल्स हैं, गोल्डन रूल है, उनकी बात करूं। यहाँ पर 10 गोल्डन रूल है और 10 गोल्डन रूल में सबसे पहला है केवल श्रमण। इस श्रमण संघ में केवल श्रमण ही शामिल हो सकते हैं, अन्य कोई और शामिल नहीं हो सकता। दूसरा नियम है चंदा कभी नहीं। तीसरा नियम है जाति का अभ्यास कभी नहीं। यहाँ पर जाति का अभ्यास नहीं होता। सर मेरी आवाज और पिक्चर आ रही है क्या? चौथा नियम है केवल संघवाद। इसमें सिर्फ संघ की बात की जाएगी, किसी व्यक्ति की या किसी नेता की बात यहाँ पर नहीं की जाती। पांचवा नियम है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। ना यहाँ पर कोई पद होता है, ना कोई प्रतिष्ठा के लिए कोई आता है, और ना कोई मंच होता है, और ना ही माला होती है। छठा नियम है पंजीकरण कभी नहीं। संघ का या संघ के किसी भी व्यक्ति का पंजीकरण कभी नहीं होता। सातवां नियम है संघाधिशेष सबसे ऊपर है। जो संघ नियम बनाता है या संघ के जो आदेश होते हैं उस वह सबसे ऊपर होता है, उससे ऊपर कोई नहीं होता या उसके विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। आठवां नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। और नौवां नियम है संघातक की वापसी संघ में कभी नहीं। जो एक बार संघात कर देता है या संघ के अधिशेष के विरुद्ध जाता है तो उसकी वापसी संघ में द्वारा नहीं होगी, और जो भी संघ उसके विरुद्ध निर्णय लेगा वह सर्वमान्य होता है। दसवां नियम है उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार है, ये न कभी बदले जाएंगे और न खत्म किए जाएंगे और न ही कभी अमान्य किए जाएंगे। ये 10 नियम है जो गोल्डन नियम है, सुनहरे नियम है, और ये बहुत लंबे समय तक लगातार जो मीटिंग पर और जो फिजिकल मीटिंग है या मतलब इकट्ठे होकर कोई संगीति की गई है उसमें बहुत विचार विमर्श करके ये बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से इन नियमों में से दूसरा जो नियम है चंदा कभी नहीं, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। तो चंदा कभी नहीं, इसकी बात श्रमण संघ चंदा कभी नहीं लेता। जो भी कुछ लोग ये कहते हैं कि बिना चंदे के कोई भी काम नहीं हो सकता, तो बिना चंदे काम क्यों नहीं हो सकता या चंदा क्यों लिया जाता है, इसकी बात हम कर लें। यहाँ पर आज तक बहुत सारे जो संगठन भारत में बने हैं, चाहे छोटा समूह बना है, चाहे बड़ा संगठन बना है, चाहे उससे और बड़ा संगठन बना है, सभी ने चंदा लेकर ही अपने संगठन बनाए हैं। और जैसे जैसे वो संगठन बनाए हैं उनके उसके साथ साथ प्रभाव, दूसरे प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। और जब दूसरे प्रभाव देखने को मिलते हैं तो उससे हमारे समाज के ऊपर बुरे प्रभाव भी देखने को मिले हैं, जिससे हमारा समाज लगातार टूट रहा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चंदे के बिना कैसे हो सकता है, कोई भी काम आज के समय में पैसे के बिना नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ यह बताना चाहूंगा, जो नए साथी हैं, पुराने तो सभी जो श्रमण संघी हैं वो जानते हैं इसको, कि जो नए साथी हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो भी संगति या जो भी कार्यक्रम या जो भी जूम मीटिंग होती है उसके लिए जो भी खर्चा होता है, श्रमण संघी है जिन्होंने अपने आप को श्रमण संघ को समर्पित कर दिया है, वो उसका खर्च वहन करते हैं। यदि कहीं दूर संगति होती है उसमें आने जाने का खर्च और खुद का खाने का खर्च वो खुद वहन करते हैं। और जहां पर वह संगति होती है या जहां पर वह कार्यक्रम होता है, वह कार्यक्रम या तो किसी जो कॉमन स्थान होता है जो हमारे समाज का है, जैसे अम्बेडकर भवन है, गुरु रविदास मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर है, कबीर साहब का मंदिर है, या कोई कम्युनिटी सेंटर है, और या कोई धर्मशाला इत्यादि है, उसमें होता है। या फिर यदि ये उपलब्ध नहीं होते हैं तो फिर
ऐसा कोई सेंटर चुना जाता है या ऐसा कोई स्थान चुना जाता है जिसका किराया सबसे कम होता है, और उस किराए को सभी समण संगी और जो लोग उस संघ में आते हैं, उस संगीति में आते हैं, वो उसका खर्चा खुद वहन करते हैं। पिछले दिनों 15 मई को दिल्ली में संगीति हुई, तो जो भी उसका खर्चा, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब था उसका जो किराया था, वो सभी समण संघियों ने आपस में बांट लिया। जो कुछ ज्यादा खर्च उसमें हुआ तो जो एक्टिव जो लोग थे उन्होंने उस अपने में बांट लिया, किसी और से कोई चंदा या कोई पर्ची नहीं ली गई। तो यदि कोई व्यक्ति किसी समाज में या कहीं भी किसी गांव में, शहर में, कस्बे में, कॉलोनी में समण संघ की पर्ची लेकर जाता है तो वह संघात कर रहा है, या इस प्रकार का कोई भी पर्ची लेकर समण संघ की तरफ से नहीं आता, उसको भगाया जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है और उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो खर्चा है वो समण संघी खुद वहन करते हैं। दूसरी बात आती है, जो चंदा है उसके इफेक्ट क्या है, इसके प्रभाव क्या है। जब भी कोई संगठन चंदा लेता है और चंदा लेकर कोई भी कार्यक्रम करवाता है, चाहे छोटा समूह है चाहे वो बड़ा संगठन है, तो जब वह चंदा लेकर कार्यक्रम करवाता है तो जो चंदा देने वाले लोग हैं और जो उस संगठन उस कार्यक्रम में आने वाले जो लोग हैं, वो उन दोनों लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। जो चंदा देने वाले लोग हैं उन किसी से कम चंदा लिया जाता है और किसी से बहुत ज्यादा चंदा लिया जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो टेंट का जो कार्यक्रम है या टेंट का जो सामान है उसको स्पॉन्सर कर देते हैं और कुछ खाने को स्पॉन्सर कर देते हैं, और इस प्रकार से या कुछ छोटी पर्चियां काटी जाती हैं। तो जो लोग पर्ची काट कटवा कर उसमें आते हैं या चंदा देकर उसमें आते हैं, वो ये देखते हैं कि उस कार्यक्रम का जो ऑर्गेनाइजर है, वह ऑर्गेनाइजर कुछ रसूखदार लोगों को या राजनीतिक लोगों को या जो सरकार में जो शामिल है उन लोगों को बुलाता है। और जब वो लोग इस प्रकार से देखते हैं, जो चंदा देने वाले हैं, भाई इसने ये कार्यक्रम किया या इस समूह ने ये कार्यक्रम किया है और उस राजनीतिक पार्टी को बुलाया है या रसूखदार व्यक्ति को बुलाया है या उससे अपने कुछ व्यक्तिगत लाभ ले रहा है, तो उसके दिमाग में आता है कि चंदा तो हमारे से लिया है और काम इसने अपना करवाया है। क्यों? क्योंकि कार्यक्रम जो है वो एक दिन का होता है या दो दिन का हो सकता है और लगातार कार्यक्रम वो नहीं चलते हैं, लेकिन जो कार्यक्रम करवाने वाले जो लोग हैं वो इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार कार्यक्रम करवाते रहते हैं और उन राजनीतिक दलों से और उन रसूखदार लोगों से लगातार मिलते रहते हैं। जब वो लगातार उनसे मिलते हैं तो अपना काम भी निकलवा लेते हैं, जिससे चंदा देने वाले के लोगों के दिमाग में ये बनता है कि इसने अपने काम निकलवाए हैं, इसने पर्सनल व्यक्तिगत अपना फायदा लिया है। और जो उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग हैं जिन्होंने चंदा नहीं भी दिया है, वो भी इस बात को समझ रहे होते हैं कि यह हर साल या 6 महीने में या 2-3 महीने में एक कार्यक्रम करवाता है, लोगों से चंदा लेता है, जबकि उन्होंने चंदा नहीं दिया है, फिर भी वो देखते हैं कि लोगों से चंदा लेकर यह समूह या यह संगठन लोगों से चंदा लेकर इस प्रकार एक कार्यक्रम करवाता है और रसूखदार राजनीतिक जो लोग हैं या सरकार के कुछ जो अगली पंक्ति के जो लोग हैं उनसे मिलकर ये अपने व्यक्तिगत काम भी निकाल लेते हैं, तो जिससे उनके दिमाग में उसके प्रति कटुता बनती है। और उसके साथ साथ वो ये भी सीखते रहते हैं कि जैसे ये व्यक्ति या ये संगठन कर रहा है इसी तरह से हम भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार से एक नए संगठन का निर्माण वहां पर हो जाता है। जो लोग चंदा दे रहे हैं वो भी अपना नया संगठन बनाना शुरू कर देते हैं और जो उसमें शामिल हुए हैं बिना चंदा दिए वो भी इसी प्रकार से अपना छोटा संगठन या छोटा समूह वहां बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे समाज में दिनों दिन संगठनों की बाढ़ सी आ गई है, जिससे हमारा समाज लगातार टूट रहा है और हमारे अधिकार हमारे हाथ से जा रहे हैं। दूसरी बात आती है, जब जब भी चंदा लिया आता है और कोई कार्यक्रम करवाया आता है, वो कार्यक्रम करवाने से क्योंकि बहुत सारा पैसा बच भी जाता है कार्यक्रम करवाने का, हर समय तो नहीं बचता लेकिन बहुत ज्यादा बार बचता है, और जब वो बचता है तो उससे जो सामाजिक संगठन है या कोई भी संगठन है वो प्रॉपर्टी बनाते हैं, और वह प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, एक सामाजिक प्रॉपर्टी होती है और व्यक्तिगत प्रॉपर्टी होती है। जो सामाजिक प्रॉपर्टी है वो कहीं हद तक सही है, जिससे अम्बेडकर भवन, कोई लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है, कोई मंदिर का निर्माण हुआ है, कोई कम्युनिटी सेंटर का निर्माण हुआ है या बुद्ध विहार का निर्माण हुआ है, वो तो कहीं हद तक कुछ ना कुछ सही लगती है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, आफ्टर इफेक्ट की उसके साथ साथ बात करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी आती है व्यक्तिगत प्रॉपर्टी।
जो व्यक्ति या तो अकेले व्यक्ति या उस संगठन के जो लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, वो इस प्रकार से चंदा लेकर कोई भी कार्यक्रम करवाते हैं, तो उनकी अपनी वो अपनी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है या व्यक्तिगत प्रॉपर्टी भी वो साथ साथ बनाते रहते हैं, क्योंकि ये तो संसार है और संसार में सभी साफ दिल के लोग नहीं है, सभी सामाजिक लोग नहीं है, सभी हमारे समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले लोग नहीं है, तो हर तरह के लोग हैं और इस प्रकार से वो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बनाते रहते हैं। और इस प्रकार से जब वो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बनाते हैं तो उससे समाज लगातार टूट रहा होता है, और जो ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी होती है वो किस प्रकार से बनती है, वह उन्हीं रसूखदार लोगों से मिलकर बनती है, उन्हीं राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है और समाज से धोखाधड़ी करके भी बनती है। तो इस प्रकार से ये जो प्रॉपर्टी बनाई है, चाहे वो सामाजिक प्रॉपर्टी है और चाहे वो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी जो है वो झगड़े का कारण बनती है। और झगड़े में किस कौन से किस प्रकार के झगड़े या किन लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, झगड़े होते हैं दो मोहल्लों के बीच में हो सकते हैं, दो गांव के बीच में हो सकते हैं, दो कॉलोनियों के बीच में हो सकते हैं, और इसी प्रकार से पुराने संगठन और नए संगठन में एक ही जगह पर एक ही स्थान पर एक ही जो प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई, उनमें एक पुराना संगठन होता है और दूसरा एक नया संगठन भी पनपता है, उनके बीच में भी आपस में झगड़े का कारण वो बनते हैं। तीसरा है, झगड़े का कारण क्या होता है, प्रौढ़ लोगों के बीच में और युवा लोगों के बीच में भी मतलब वो झगड़े का कारण बनता है। जो जिन्होंने वह संगठन शुरू में बनाया था और उसने वो प्रॉपर्टी बनाई थी, वो तो वृद्ध होते जा रहे हैं, लेकिन उसमें युवा भी उसमें शामिल होते हैं। अब युवा और उन वृद्धों के बीच में, उन प्रौढ़ों के बीच में एक जनरेशन का गैप होता है, और उस गैप के कारण वो एक दूसरे को बात नहीं मानते हैं, जिससे वो प्रौढ़ और युवाओं के बीच में झगड़े का कारण बनते हैं। और झगड़े का कारण राजनीतिक दलों में आपस में झगड़ा इस प्रॉपर्टी से होता है, धार्मिक समूहों में आपस में झगड़ा होता है, और जिस इस प्रकार के झगड़ों से समाज लगातार दिनों दिन टूट रहा है और हमारे अधिकार हमारे हाथ से छीने जा रहे हैं। तो ये दो प्रकार के हमने आफ्टर इफेक्ट देखे हैं जो चंदा के होते हैं। और अब बात हम करते हैं, यदि श्रवण संघ कभी चंदा नहीं लेता, जब चंदा नहीं लेता तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, और जब चंदा नहीं लेता तो कोई रसूखदार लोगों से इनका मुलाकात नहीं होती और जुड़ाव नहीं होता, और जब चंदा नहीं लेता तो किसी राजनीतिक पार्टी से भी इनकी बातचीत नहीं होती है, और ये अपने व्यक्तिगत काम कभी भी ये नहीं निकलवाते हैं। जब चंदा श्रवण संघ नहीं लेता है तो समाज के पैसे से कोई भी ऐशो आराम की चीज ये नहीं लेते हैं, या ऐशो आराम ये नहीं लेते हैं। जिस प्रकार से बहुत सारे संगठन है वो गाड़ी ले लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गाड़ी का खर्चा लेते हैं और एसी रूम्स में ठहरते हैं या किसी इस प्रकार के जगह में ठहरते हैं जिसमें वो जहाँ खर्चा होता है, और 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का टूर भी उनका हो सकता है। तो इस प्रकार से वो चाहे वो ऐशो आराम ना ले, लेकिन जिन लोगों की दृष्टि में वो लोग एक स्थान दूसरे स्थान पर गए हैं, गाड़ी में गए हैं, उनके दिमाग में ये आता है कि ये ऐशो आराम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से उसमें बीच में बिखराव आता है। तो चंदा इस प्रकार से मतलब श्रवण संघ नहीं ले रहा है, जिससे ये लोगों के पैसे से ऐशो आराम भी की बात भी नहीं सोच सकता। फिर आता है, जब चंदा नहीं ले रहा है श्रवण संघ तो फ्री की कोई भी चीज यह समाज के पैसे से नहीं ले पाता है, और जब कोई भी संगठन चंदा लेता है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि वहां पे मतलब वह संगठन कार्यक्रम करवा रहा है और हमारा कुछ लगना नहीं है, हमें सिर्फ शामिल वहां पर होना है, और वो फ्री की दावत वहां पर उड़ाते रहते हैं और फ्री में उसकी मतलब जो सुविधाएं हैं वो लेते रहते हैं। तो इस प्रकार से संगठन है जो जो हमारा जो समण संघ है वो कभी चंदा नहीं लेता और दूसरों के पैसे पर फ्री में मतलब कोई भी कार्य या कोई भी सुविधा नहीं ले पाता है। बिना चंदे के दबाव के लोगों का जुड़ाव अधिक बनता है। यदि हम चंदा ना लें और ना दें तो हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है, और जब हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है तो हमारा एक दूसरे से जुड़ाव ज्यादा होता है। इसलिए समण संघ की संख्या दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि चंदा नहीं ले रहा है। और लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि 10 लोग आ रहे हैं, 5 लोग आपके घर में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चंदे वाले होंगे या पर्ची वाले होंगे, तो इसलिए उसके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव रहता है कि हर साल या 2 महीने में, 6 महीने में और 1 साल में मतलब चंदा उसने देना पड़ रहा है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव रहता है। तो इसलिए वो दबाव उसको उस संगठन से या उस समूह से जुड़ने नहीं देता, और उसके दिमाग में दूसरी भावना भी चलती रहती है, उनके प्रति उनका प्रेम नहीं बनता है, आपस में मिलाप नहीं होता है या उसमें जुड़ाव नहीं हो पाता है, जिससे
वो संगठन लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। लेकिन श्रवण संघ इस प्रकार से चंदा नहीं लेता और इसलिए आपस में जुड़ाव है। मैं भारत के मतलब अभी 2-3 महीने से जुड़ा हूँ और भारत के बहुत सारे लोगों को नाम से जानने लगा हूँ, वो जो श्रवण संघी है, श्रवण संघियों को नाम से जानने लगा हूँ और जो श्रवण संघी मुझे भी नाम से जानने लगे, मुझे उनके प्रति एक परिवार की भावना मतलब वहां पे महसूस होती है और मैं उनके साथ बातचीत करके या उनके शहर में जाकर मैं अपनापन महसूस करता हूँ और इसी प्रकार से और दूसरे श्रवण संघी भी इसी प्रकार से अपनापन महसूस करते हैं और यह लगातार जुड़ाव बन रहा है। यह इसीलिए यह श्रवण संघ जूम पर पिछले 15 महीनों से लगातार आ रहा है और इसकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसी आशा के साथ ये संख्या और तेजी से बढ़े, इसलिए जितने भी एक्टिव श्रवण संघी हैं उन्होंने और तेजी से काम करना पड़ेगा। जब जब हम जुड़ेंगे तब तब हम जीतेंगे, जब हम जुड़ेंगे नहीं तो तब हम बहुत जल्दी और जीत नहीं पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय भीम। नमो उदय। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। साधु 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 आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.